हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8th। एज यू नो अवर जो 20th चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की यदि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको कैसे फाइंड करनी है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही लेंथी है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्वेश्चन के साथ साथ ही देता रहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि हम पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से इसका इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। ए डाई इज रोल्ड वंस। देखो, डाई आपको पता है क्या होता है, जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर जो हमारे पास रोलिंग करने वाला एक क्यूब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाई। तो उसके एक फेस पे वन है, उसी के अपोजिट फेस पे सिक्स होगा, इधर टू है तो उसके अपोजिट फेस पे क्या होगा, फाइव होगा। बस याद रखना, अपोजिट फेसिस के जो डॉट्स हैं उनका सम सेवन होता है, ठीक है। तो वन है तो सिक्स होगा, टू है तो फाइव होगा, पीछे वाले पे यदि थ्री है तो उसके अपोजिट वाले पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम रोल करेंगे तो आउटकम्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे सिक्स। कौन कौन से, या तो वन होगा, या टू, या थ्री, या फोर, या फाइव, या सिक्स, यही आ सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन ए डाई इज रोल्ड पॉसिबल आउटकम्स विल बी सिक्स। कौन कौन सी सिक्स होंगी, वो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये आ सकते हैं इनमें से। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए थ्री, थ्री आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें देख सकते हो आप, जो थ्री है वो कितनी बार है, एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन सिक्स के। इसी तरह से सेवन की प्रोबेबिलिटी, तो सेवन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो अपॉन सिक्स हो जाएगी, और जीरो अपॉन सिक्स क्या होगा, सिक्स, क्यों, ये जो सेवन है ये इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब सेवन इसमें आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। सी में हमें क्या करना है, इवन नंबर। तो सबसे पहले आपको इवन नंबर लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इवन नंबर्स आर टू फोर एंड सिक्स। तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, थ्री। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवन नंबर की, थ्री अपॉन सिक्स, कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू। ये आप पहले सेवन्थ क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख चुके हो। एट्थ में देखो, डी पार्ट देखो, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, इसमें प्राइम नंबर है हमारे पास टू थ्री एंड फाइव, तो ये कितने हैं टोटल, थ्री हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थ्री अपॉन सिक्स, इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रमेश चूजेस ए डेट एट रैंडम इन अप्रैल फॉर ए पार्टी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस ए सैटरडे ए संडे या सैटरडे और ए संडे। तो ये देखिए, आपको आपकी बुक के अंदर देखना, एक कैलेंडर है अप्रैल मंथ का, उसके अंदर जो डेट्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 हैं। तो देखो, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ डेज आप देख सकते हो उसमें कितने गिवन है, 30। अब हमें बताना है कि सैटरडे की क्या प्रोबेबिलिटी है भी सिलेक्ट करने की, संडे को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और सैटरडे और संडे को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके अंदर देखो, इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जो इसका सॉल्यूशन है वो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर रखी है, आप उसमें से अच्छे से देख लेना। तो इसमें देखो, हमारे पास नंबर ऑफ सैटरडे जो हैं वो किसके इक्वल गिवन है, फोर के, क्योंकि आप देख सकते हो उस कैलेंडर के अंदर जो सैटरडे है, फोर सैटरडेज हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सैटरडे को सिलेक्ट करने की, फोर अपॉन में 30, कट हो जाएगा क्या आ जाएगा, टू अपॉन 15। इसके बाद है संडे की, तो संडे कितने हैं आपको काउंट करने हैं, नंबर ऑफ संडेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू फोर, कैलेंडर में देखना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन में 30, कट होके क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 15। अब इसका जो सी पार्ट है उसमें हमें बताना है कि सैटरडे और ए संडे, या तो सैटरडे सिलेक्ट हो जाए या संडे सिलेक्ट हो जाए, तो ऑप्शन दो हो जाएंगे हमारे पास, इसलिए सैटरडे भी 4 है संडे भी 4 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8। अब इस 8 में से हमें एक डेट सिलेक्ट करनी है, या वो संडे हो या सैटरडे, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 अपॉन 30,
कट करेंगे तो 4 अपॉन में 15, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए नॉर्मल डाई इज रोल्ड। ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एक डाई है, इसको हमें क्या करना है, रोल करना है, जिसके ऊपर आपको पता ही है कितने आउटकम्स होंगे, टोटल 6 आउटकम्स होंगे। आप क्या लिखोगे, व्हेन ए डाई इज रोल्ड वंस टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। कौन कौन सी 6 होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है ये, इसे हमें कंप्लीट भी करना है क्योंकि अब आपकी छुट्टियाँ हैं 3-4, तो इसलिए आप इसको अच्छे से आराम से बैठ के सुनते रहना, करते रहना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। तो आपको बताना है कि जब हम उसको रोल करेंगे तो ऊपर अपर मोस्ट फेस के ऊपर क्या आएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 5 एक बार आ सकता है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। शॉर्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, वीडियो नहीं तो लंबी बहुत बन जाएगी। नोट 5 की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 5 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली है, 1/6। तो नोट 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। याद रखना ये फॉर्मूला है, जब भी हमें नोट 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 को 5 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो नोट 5 की आ जाएगी। तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या थी, 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6, 6, 1 + 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5/6। या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे, नोट 5 का मतलब 5 को छोड़ दो, बाकी देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/6। अब देखिए सी में है ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 1, 3 और 5, तो 3 ओड नंबर है ना, तो 3/6 कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह से डी वाले में देखो, डी में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है, तो ये 3 ऐसे हैं जो प्राइम है, तो 3/6 कट होके क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो ई पार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो ऊपर 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो 2 हो गए ना, तो 2/6, या तो 3 की क्या हो जाएगी, 1/6, या 4 वो भी 1/6, दोनों को ऐड करोगे तो 2/6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। इसी तरह एफ में देखो, या तो 1 की, या फिर 2 की, या फिर 3 की, या फिर 4 की, तो ये 4 हो गए, अपॉन में 6 कर दो, तो 4/6 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2/3। इसी तरह से इवन प्राइम नंबर, तो आपको ये देखना है, इवन नंबर तो हमारे पास 2, 4, 6 है, पर इनमें से भी इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो 2 की और इवन प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है, तो इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको ये लिख भी लेना है इंट्रोडक्शन को देखने के बाद। टोटल कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52। इसको दो कैटेगरी में हम चेंज करते हैं, एक तो ब्लैक कार्ड्स और दूसरा रेड कार्ड्स, ठीक है। तो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। जब बात आ जाए ब्लैक कार्ड की तो हमें 26 देखने हैं, और जब बात आए रेड कार्ड्स की तो हमें क्या देखना है, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब इनके अंदर भी आगे डिवाइड कर रखा है कैटेगरी को 13+13 कार्ड्स में, तो यहाँ भी 13+13 कार्ड्स में, तो वो 13 कार्ड्स कौन से होंगे, तो ये देखो ये होगा हमारा 13 कार्ड स्पेड के और 13 कार्ड क्लब के। इसी तरह यहाँ 13 कार्ड हार्ट के और यहाँ 13 कार्ड डायमंड के। देखो डायमंड का और हार्ट का रेड कलर होता है, स्पेड और क्लब का ब्लैक कलर होता है। तो स्पेड को हम हुक्म का बोलते हैं, कुछ बच्चों को हिंदी में पता होगा, इसको हम चिड़ी का पत्ता बोलते हैं, हार्ट को पान का पत्ता बोलते हैं, और इसको हम ईंट का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेड कार्ड की बात आए तो 13, क्लब की बात आए तो 13, हार्ट की बात आए तो 13, डायमंड की बात आए तो 13 होते हैं। पर अब इस 13 जो दे रखे हैं, इस 13 को मैं आगे कैटेगराइज कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखो जो एक नंबर वाला कार्ड होगा उसको हम बोलते हैं एस कार्ड, क्या बोलते हैं, एस कार्ड। और जो 11 नंबर पे है उसको हम बोलते हैं जे का मतलब होता है जैक, गुलाम बोलते हैं इसको। इसी तरह से
ट्वेल्व को बोलते हैं क्यू, क्यू मीन्स क्वीन, क्वीन मतलब रानी या बेगम बोल सकते हैं इसको। और थर्टीन वाला जो कार्ड है उसको हम बोलते हैं के, के मीन्स किंग, किंग मीन्स बादशाह बोलते हैं, वैसे राजा भी होता है, रानी होती है, ये इसी तरह से बेगम बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे कार्ड्स के हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फेस कार्ड की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, फेस कार्ड। तो टोटल जो फेस कार्ड्स हैं वो होते हैं हमारे 12, कौन कौन से, ये वाले 11, 12 और 13, ये जो जे क्यू और के है इनके ऊपर फोटो बने होते हैं, तो इसलिए ये फेस कार्ड बोले जाते हैं। तीन, तो देखो तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तो टोटल कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। जब रेड की बात आ जाए तो 6 रेड के होंगे, 6 ब्लैक के होंगे, ठीक है, ये सारी बातें आपने अच्छे से देखनी है। अब देखो 13 कार्ड ये स्पेड के होंगे, 13 कार्ड ये क्लब के होंगे, 13 कार्ड ये हार्ट के होंगे, 13 डायमंड के। इसी तरह देखो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इसी तरह 12 एक एक, 11 भी एक एक, 9 भी एक एक, 8 भी एक एक, ये सारे सात चार चार पत्ते होते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो हमें बताना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या हो, डायमंड का कार्ड हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड, जो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 13। ये नहीं कह रखा कि किस चीज़ का डायमंड, ओनली डायमंड कार्ड, तो 13 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डायमंड कार्ड की, तो 13 अपॉन में 52 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। इसी तरह बी पार्ट, किंग इज चूजर, ओनली किंग की बात कर रखी है, न तो ब्लैक किंग, ना रेड किंग की बात की है, ना स्पेड के किंग की बात की है, ना कलर के, सिर्फ किंग। तो किंग चार होते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो टोटल किंग हो जाएंगे हमारे कितने, 4। तो 4 अपॉन 52 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/13। इसके बाद है सी पार्ट, सी में है ब्लैक 4, देखो 4 तो होते हैं 4, एक इसमें 4 होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, पर हमें कौन सा लेना है, ब्लैक, तो ब्लैक हमारे पास दो ही होंगे, एक इसका और एक इसका, तो इसलिए टोटल ब्लैक 4 कितने होंगे, 2, तो 2 अपॉन में 52 कट होके क्या आ जाएगा, 1/26। अब देखो डी पार्ट, डी में क्या करना है, इस 7 ऑफ हार्ट्स इज, देखो 7 की बात आ जाए तो 4 7 होते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, पर वो जो 7 होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, हार्ट का, तो हार्ट का सिर्फ एक ही 7 होगा, तो 1/52। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, 9 प्लेइंग कार्ड्स आर नंबर्ड 2 to 10। देखो हमारे पास 9 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल 9 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनके ऊपर हर कार्ड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम देम, इनमें से एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या आ जाए, ओड नंबर वाला कार्ड हो। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 9, तो ओड नंबर कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 5, 7 और 9। तो ये ऐसे कार्ड है जिनके ऊपर ओड नंबर लिखा हुआ है, तो ये कितने हैं काउंटिंग करके देखो, नंबर ऑफ ओड कार्ड्स 4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ इसको, 4/9। तो ये आंसर आ जाएगा 4/9। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखो, ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल का मतलब 4 की टेबल में आना चाहिए वो, तो 4 1 4, 4 2 8। तो ऐसे दो ही कार्ड हैं जो 4 के क्या है, मल्टीपल है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2/9। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 5th करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6th। बेटा कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार पीछे वीडियो करके जरूर देखते रहा करो, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हो। देखिए दिस स्पिनर इज स्पन, ये एक स्पिनर है, आप सभी बच्चे यूज करते हो, ऐसे घुमाते हो गए, तो इस स्पिनर को जब स्पन किया जाता है तो आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 आने की। तो इसमें देखो 3 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, तो हमें क्या बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, ये 3 है ना, तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो क्या हो जाएंगी, 3, जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, 1 आने की। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 इसमें एक ही बार लिखा हुआ है, तो 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। इसी तरह से सेकंड पार्ट, नोट ए 1, तो आप देख सकते हो नोट ए 1 में ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, तो 2 ऐसे हैं जो 1 नहीं है, तो 2/3।
थ्री। इसी तरह से सी पार्ट में देखो ओड नंबर बताने हैं, तो ओड नंबर में सिर्फ ये वन और थ्री दो ऐसे हैं जो क्या है ओड, तो क्या आंसर आ जाएगा टू अपॉन थ्री। इसी तरह से डी पार्ट में देखो क्या है नो टेन ओड नंबर, तो देखो इन दोनों को छोड़ दो तो क्या है टू एक ऐसा नंबर है जो ओड नंबर नहीं है, तो वन अपॉन में थ्री। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट करना है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, इन ए गेम एट ए फीट ए पॉइंटर इज स्पन, यू विन द अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न इन द सेक्टर वेयर द पॉइंटर स्टॉप्स। आपने देखा होगा ऐसे पॉइंट मारते हैं पॉइंटर को, जहां भी वो लगेगा उतने रुपए उसको क्या मिल जाएगा प्राइज मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी नो मनी की। तो नो मनी का मतलब पहले तो आप ये देखो इसमें टोटल सेक्टर कितने हैं, तो इसके अंदर टोटल सेक्टर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल सेक्टर्स हम लिख लेंगे कितने 16 लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल सेक्टर होंगे 16, जिसमें से नो मनी का मतलब जिसमें जीरो रुपए हैं, देखो कोई भी मनी नहीं मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर कोई रुपए नहीं मिल रहे, यदि लग जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8/16, कट होके क्या आ जाएगा 1/2। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है नो मनी की, ठीक है। इसी तरह से 2 रुपए मतलब मिले तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 2 रुपए में देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 2 रुपए मिलेंगे, तो 4/16 कट होके क्या आ जाएगा 1/4। इसी तरह से सी है 6 रुपए मिलने चाहिए, तो देखो 6 रुपए का इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0/16 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। इसी तरह से डी में है 10 रुपए, तो 10 रुपए का आप देख सकते हो एक, बस एक ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर 10 रुपए का प्राइज मिल सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ए स्पिनर इज मेड फ्रॉम ए रेगुलर ऑक्टागन, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी 8 की 8 साइड इक्वल है, इट इज लेबल्ड विद 3 A's, इसमें देखो 3 तो A हैं, 2 B हैं और 3 क्या है C है। अब आपको ये बताना है जब इसको हम स्टॉप करेंगे तो नंबर A प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगी A रेस्टिंग ऑन द टेबल, B रेस्टिंग क्या हो A के ऊपर आना चाहिए, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स इन गिवन स्पिनर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स 8 हो जाएंगे, जिसमें से A पार्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A रेस्टिंग, तो नंबर ऑफ 3 A's, यहाँ पे कितने A's है 3 A's, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8, जो फर्स्ट पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। इसी तरह से B पार्ट देखो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है B रेस्टिंग की, तो B कितने हैं टोटल 2 है, तो 2/8 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/4। इसी तरह C, नोट सी रेस्टिंग ऑन द टेबल, देखो सी रेस्टिंग की पूछता तो 3/8 आता, पर नोट सी की पूछ रहा है तो नोट सी में कौन कौन आ जाएगा, जो सी नहीं है वो आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5/8। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9th, ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन, देखो 2 डाई हैं उसको हमें क्या करना है थ्रो, पहले हमने 1 डाई को थ्रो किया था तो 6 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते थे, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, पर अब 2 डाई को हम क्या करेंगे टॉस करेंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स नहीं आएंगे, 6, 6 या 36 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, तो वो कौन से बनेंगे ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब मैं समझा देता हूँ आपको। व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स विल बी 36, ठीक है। 36 कैसे होंगे, देखो या तो दोनों 1-1 आ सकते हैं, जब हमने पहली डाई को थ्रो किया तो 1 आ गया, दूसरी को किया तो भी 1 आ सकता है, या फिर पहले 1 आ जाए फिर 2 आ सकता है, या पहले 1 फिर 3 आ जाए, पहले 1 फिर 4 आ जाए, पहले 1 फिर 5 आ जाए, पहले 1 फिर 6 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 2 आ जाए दूसरी बार करें तो 1 आ सकता है, पहले 2 आ जाए फिर 2 आ जाए, पहले 2 आ जाए फिर 3 आ जाए, तो इस तरह से 2-6 तक हो सकता है, या फिर पहले 3 फिर 1 3-2, 3-3, 3-4 या 3-6 तक, इसी तरह पहले 4 आती है, ये सभी की सभी मैंने क्या लिखी, ये पॉसिबिलिटीज लिखी हैं
कि इन 36 में से कोई भी हमारा एक पेयर बन सकता है, ठीक है। आप यदि टॉस करोगे तो 6 आ जाए, पहले 1 आ जाए तो देखो ये बन जाएगा। यदि आपने टॉस किया 4 आ गया पहले पर बाद में 3 आ गया तो क्या बन जाएगा, 4-3 बन जाएगा, तो बनेगा इन 36 में से। तो इसलिए ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे 36। अब आगे देखो क्या करना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10, या तो उन जब हम टॉस करेंगे तो उन दोनों का सम या तो 10 हो या 10 से क्या हो, ज़्यादा हो। पहले तो यहाँ तक देखते हैं, तो देखो 10 किसका सम होगा, यहाँ पे आप ऐड करके देखो, एक तो इसका होगा 6+4 10 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका सम 10 होगा, इसका सम 10 से ज़्यादा होगा, इसमें लिख रखे या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। अब देखो ये 10 होगा, ये 10 से ज़्यादा होगा, ये 10 से, तो जहाँ मैंने सर्कल किया है वो फेवरेबल आउटकम्स हो सकते थे, पर इन्होंने क्या लिख रखा है आगे स्टेटमेंट में देखो, इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, पहली डाई के अंदर 5 का अपीयर होना जरूरी है। तो देखो फर्स्ट डाई में यहाँ पे 4 है, 5 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे हम। इसी तरह से यहाँ 6 है तो नहीं लेंगे, इसको 6 है नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो ये दो हमारे पास ऐसे फेवरेबल आउटकम्स आए हैं जिनका सम या तो 10 है या फिर 10 से ज़्यादा है और फर्स्ट प्लेस पर 5 है। तो इसलिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2/36, कट होके क्या आ जाएगा, 1/18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में, ए स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 3, 6 और 9, तो इसलिए ये कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितनी है, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की हमारी, 3/10। इसी तरह बी पार्ट, गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो देखो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2, 3, 5, 7, तो ये कितने हैं टोटल प्राइम नंबर, 4, तो 4/10 कैंसिल होके क्या आ गया, 2/5। इसके बाद देखो सी, नॉट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2, तो देखो 2 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, इसको नहीं लेना हमें, तो कौन कौन आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, कितने हैं ये काउंट करके देख लो, 5, तो 5/10 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10th का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है, बिल्कुल इजी है। इन ए स्क्रैबल गेम देयर आर स्मॉल टाइल्स विद लेटर्स ऑन देम, उनके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं, दैट आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। द एडजॉइनिंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टाइल्स फॉर ईच लेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ओ फ्रॉम द फुल सेट, ये पूरा एक सेट है जिस लेटर लिखे हुए हैं, देखो ए से जेड तक एक ब्लैंक भी है, तो देखो ए के ऊपर क्या है, 9, बी पे 2, सी पे 2, डी पे 4, ई पे 12 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि ओ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फुल सेट में, तो फुल सेट की बात करता है, तो आप देखो ए से लेके ब्लैंक तक सबका टोटल कर लो, तो इनका सबका टोटल हमने किया था तो क्या आया था, 100 आया था, क्या आया था इनका सबका टोटल, 100। तो अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ की क्या है, तो आप ये देखो ओ अल्फाबेट के ऊपर कितनी नंबरिंग है, 8, तो 8/ में टोटल कितना है फुल सेट का, 100। अब इसको हम कट कर देंगे 2 पे 4/50, फिर 2 पे कट हो रहा है तो 2/25, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 2/25। अब देखो बी, कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द फुल सेट, इसमें जितने कॉन्सोनेंट हैं हमें उसका निकालना है, पर कॉन्सोनेंट से पहले को सारे कॉन्सोनेंट को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा करो जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनके आगे देखो ए कितना है, 9, ई 12, आई 9, ओ 8 था, और यू क्या है, 4, और जो ये ब्लैंक है ये भी हमारा कौन उसमें नहीं आएगा कॉन्सोनेंट में, तो इसको भी साथ ऐड कर लो, तो इन सब को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 44, कितना आ गया, 44। तो हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कॉन्सोनेंट की, तो 100 में से 44 को माइनस कर दो, क्या आ गया, 56, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 56 अपॉन में 100। अब इसको कट करेंगे 2 की टेबल पे, 28/50, ये आंसर भी ठीक है, आगे कट हो सकता है तो 14/25 लिख दोगे तो ये भी ठीक है। अब देखिए सी, ए एम और जे, तो देखो ए के अंदर कितने हैं, 9, एम में कितने हैं, 2, और जे में कितने हैं,
वन, इनको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 12/100, कट कर देंगे 6/50, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/25। अब एक इसका लास्ट हो रहेगा डी, वोवल फ्रॉम द फुल सेट, वोवल बताने, तो देखो वोवल ये है हमारे पास 5, तो ये थे हमारे पास 42, 44 तो इसको ऐड करके था, तो 42/100, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 21/50, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे डी पार्ट की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इस सर्वे ऑफ 500 फैमिलीज शोज द फॉलोइंग रिजल्ट। देखो टोटल 500 फैमिलीज हैं, उनमें क्या सर्वे किया गया कि 400 ऐसी फैमिलीज हैं जिसके अंदर ओनली वन गर्ल है, 50 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें एग्जैक्ट टू गर्ल्स हैं, 5 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें 3 गर्ल्स हैं, और 45 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है। तो आउट ऑफ दीज वन इज चूजन एट रैंडम, उनमें से हमें एक फैमिली को चूज करना है रैंडमली, तो बताना है आपको क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस फैमिली में कितनी गर्ल्स हो, 2 गर्ल्स हो। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज किसके इक्वल है 500 के, तो देखो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, देखो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसके अंदर 2 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे हैं 50 फैमिलीज ऐसी हैं जिसके अंदर 2 गर्ल्स हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 50/500, 0 से 0, 5 से 50 को कट करोगे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/10। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ही MCQs हैं। Use the spinner which shows the probability of spinning the letter A. देखो ये spinner है जिसमें A 2 बार है, B 2 बार है, C 1 बार है, तो आपको बताना है A की क्या probability है, तो A कितनी बार है 2 बार, total कितने हैं 5, तो क्या probability हो जाएगी 2/5, तो इसका जो option number C होगा वो क्या होगा correct होगा। अब देखो question number 14, A bag holds 26 tiles, एक bag में 26 tiles हैं, ईच मार्क्ड विद ए डिफरेंट लेटर, सबके ऊपर अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ए टू जेड तक सबके ऊपर लिखा हुआ है 1/1, 1/1, तो आपको बताना है वन टाइल यदि हमें सिलेक्ट करनी है तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या ना हो, वोवल ना हो, तो आपको पता है वोवल्स कितने होते हैं 5, तो 26 में से 5 माइनस कर दो तो 21 क्या रह जाएंगे कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 21/26, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अंकित बोट 2 packs of red pen, देखो red pen के कितने packets उसने purchase किए हैं, red pen के हैं 2 packets, इसी तरह से blue pen के 1 packet and 3 packs of black, तो देखो black pens का जो packet है उसने 3 purchase किए हैं, मतलब खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो the red pen packs have 4 pens, तो इसके अंदर एक पैकेट के अंदर कितने पेन्स हैं 4, ब्लू पेन पैक्स एंड ब्लैक पेन पैक्स है 3 पेन्स, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3 है, तो आपको ये ही प्लेसिस ऑल हिज पेन्स, इन सभी पेनों को वो एक पेन होल्डर में रख देता है, तो व्हाट इज द अंकित्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड पेन, रेड पेन को निकालने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कहाँ से, पेन होल्डर में से। तो देखिए ये तो हमने समरी लिखी है, अब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप, सबसे पहले आप ये लिखोगे इन वन रेड पेन पैक्स कितने पेन होंगे उसके अंदर 4 पेन, तो टोटल नंबर ऑफ रेड पैकेट्स कितने उसने परचेज किए 2, तो टोटल रेड पेन्स कितने हो जाएंगे, टोटल रेड पेन्स वो हो जाएंगे 2 × 4 = 8 पेन्स। इसी तरह से एक ब्लू पैक के अंदर 3 पेन है और उसने कितने ब्लू पेन के पैक्स परचेज किए हैं 1, तो 3 × 3, तो टोटल ब्लू पेन्स कितने हो जाएंगे 3 × 3। इसी तरह से टोटल ब्लैक पेन्स, तो टोटल ब्लैक पेन्स कितने हो जाएंगे, देखो कितने पैकेट परचेज किए हैं 3, जिसमें से एक पैक में कितने हैं 3, तो 3 × 3 = 9 पेन्स, तो ये सभी पेन्स हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं
तो टोटल हमारे पास जो है टोटल पेन्स जिसे हमें पेन होल्डर में रखा है वो कितने हैं 20 पेन्स। इस पेन होल्डर में से हमने एक पेन निकालना है जो क्या होना चाहिए, रेड। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेन, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड पेन्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रेड पेन्स कितने हैं 8, तो 8 ऊपर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 20। अब इसको कट कर देंगे 2 की टेबल पे 4 अपॉन 10, फिर 2 की टेबल पे कट कर देंगे तो 2 अपॉन 5। तो ये 2 अपॉन 5 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये रेड पेन को निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।